मध्य प्रदेश के बैतूल में सालों से चल रहे बड़े जुआ घर पर अवैध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही 1 करोड़ का मशरूका भी बरामद किया है। वहीं इस पूरी छापेमार कार्रवाई में पुलिस टीम ने मौके से 27 आरोपियों को रंगे हाथों जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही इस कार्रवाई में 3,41,000 नकद सहित 17 पिस्टल, 8 किलो गांजा और 18 बाइक के साथ 3 कारें जब्त की गई हैं। बंद करो ये सब, बंद करो, कल ये सब लाके तोड़ना है। बंद कर दुकान, बंद कर दो, कल नहीं देखना है। दुकान बंद है। रिकॉर्डिंग बंद है। अंदर जाना जी। मैं तो अभी अभी आया, मैं अभी जस्ट अभी आया। अरे बात, तुम तो पहले से हो ना, जब तुम आए थे जब आया था पहले। जी मैम जी। ये बैतूल में पारधी ढाणा नाम का जो क्षेत्र है जहाँ पे पारधियों को स्थापित किया गया था कई सालों से चौथिया कांड के बाद, वहाँ पे ऐसी हम लोगों को सूचना थी कि बहुत बड़े पैमाने पे जुआ संचालित किया जा रहा है। और इसी सूचना पे 3-4 दिन पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च निकाला था और एक सूक्ष्म तरीके से हम लोगों ने रेकी किया था। और उसके उपरांत कल देर रात को हम लोगों ने दबिश दिया और वहाँ पे जो 27 लोग हम लोगों को मौके पे जुआ खेलते पकड़े गए और उनके पास से हम लोगों को 3,41,000 का जो है कैश मिला है। और इसके साथ ही पूरे पार्टी ढाने की सघन सर्चिंग की गई जिसमें हम लोगों को 8 किलो गांजा मिला है और 17 जो है पिस्टल जब्त किया है हम लोगों ने और लगभग 100 लीटर कच्ची शराब भी पाई गई। और वहाँ पे बहुत सारा महुआ लहान वगैरह था जो मौके पे ही नष्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। और इस कार्यवाही में हम और गाड़ियाँ जो हैं हम लोगों ने 18 टू व्हीलर्स जब्त किए हैं जो वहाँ पे खेलने के लिए आए थे और जो खिलवाते थे जो मुख्य सरगना है अलसिया पारधी उसकी हम लोगों ने 2 बड़ी 4-व्हीलर्स लग्जरी कार्स जो हैं वो जब्त की है और इसके साथ ही साथ एक बुलेरो कार भी जब्त की है। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।